जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, 11th वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड आप लोगों का काफी सारे क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th वंदे भारत ट्रेन की और ट्राई करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, अब तक 10 वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी है और 11th वंदे भारत ट्रेन का इंतजार सभी लोग अभी कर रहे हैं और सभी लोग ये सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है, कब तक इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात कर ले हम अपनी अगली वंदे भारत ट्रेन की, तो इसके लिए अभी फिलहाल रूट तो कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन 11th वंदे भारत ट्रेन को किस रूट पर चलाया जाएगा इस पर अभी कोई भी ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स निकल के नहीं आ रहे हैं जिस पर हम बिलीव कर पाए। यहाँ पर अगर हम रूट्स की बात कर लें तो यहाँ पर दिल्ली जयपुर रूट, हावड़ा पुरी रूट, मुंबई गोवा रूट, पुणे सिकंदराबाद रूट, दिल्ली खजुराहो रूट और भी कई सारे रूटों का नाम आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी अगली वंदे भारत ट्रेन इन सब रूटों में किस रूट पर चलने वाली है। तो इसका आंसर मैं बिल्कुल आपको साफ देना चाहता हूँ कि अभी हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। 11th वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है ऐसा कोई भी मीडिया रिपोर्ट अभी क्लियरली निकल के नहीं आ पा रहे हैं और 9th और 10th वंदे भारत के चले हुए लगभग एक महीने का समय बीत चुका है और पिछले एक महीने में किसी भी वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग नहीं की गई और इसके पीछे का रीजन बस यही है कि जो रैक है वो मिल ही नहीं पा रहा है और रैक जब तक नहीं मिलेगा तो वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग कैसे हो पाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे के पास वंदे भारत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और मैंने एक वीडियो में बोला था कि हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन मार्च के फर्स्ट वीक में आ सकती है। उसका काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है मेरे पास कि भाई आपने बोला था कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमें 11th वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाएगी, लेकिन मार्च का फर्स्ट वीक अब बीत गया लेकिन अब तक हमें 11th वंदे भारत ट्रेन देखने को नहीं मिली। तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि जो भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के पास लाता हूं वो सभी मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए ही मैं बनाता हूं। तो मैं जिस टाइम पीरियड की बात करता हूं वीडियोज में वो एक एक्सपेक्टेड टाइम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑफिशियली मैं टाइम बता देता हूं। और रही बात मार्च की पहले सप्ताह की, तो मार्च का पहला सप्ताह जस्ट अभी बीता ही है और हो सकता है कि अब हमें बहुत जल्दी ही 11th वंदे भारत ट्रेन चलने की खुशखबरी मिलने वाली है। रूट कौन सा होगा ये तो अभी किसी को पता नहीं, लेकिन हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन अब जल्दी ही चलने वाली है। अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है एंड आप लोगों का काफी ज्यादा क्वेश्चन आता रहता है, यहाँ तक कि मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग डीएम भी करते हैं कि 11th वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो दीजिए, न्यू वंदे भारत ट्रेनें कहाँ से कहाँ चलने वाली है, हावड़ा पूरी वंदे भारत ट्रेन कब चलेगी, ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो आप लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा और मुझे लगेगा कि ये अपडेट आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं उस अपडेट को जरूर आपसे शेयर करूंगा। आप लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और दोस्तों, हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, भारतीय रेलवे पेंडिंग रूटों को छोड़ के किसी नए रूट पर नए वंदे भारत ट्रेनें चला देती है तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन एक ऐसे रूट पर चले जिस रूट का डिमांड काफी पहले से ही है, यानी कि पेंडिंग रूट पड़ा हुआ है। बाकी आपका क्या राय मुझे कमेंट में बताइएगा और हमारी 11th वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड अगर कोई भी न्यू अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।